मध्य प्रदेश स्थित बालाघाट कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा द्वारा आदिवासी समाज के खिलाफ जो प्रतिक्रियाएं आई है उससे भारतवर्ष के आदिवासी समाज का आत्मसम्मान स्वाभिमान अस्मिता को ठेस पहुंची है, जिसके मद्देनजर अब बालाघाट में आदिवासी समुदाय आगामी समय में सामूहिक रूप से कलेक्टर के खिलाफ मोर्चा खोलेगा। एक बार लाएगा, चार एकम चार, कितने बार गया? एक बार। चलिए हम सुनिए, मैडम ऊपर से गिनते हैं, सैकड़े में गिनती है ना, सैकड़े में है, 441 है ना, तो तीन बार जाएगा, इसका मतलब तुम्हारा भाग गलत है। अच्छा, ये कैसे पता करेंगे कि आपने जो बार आप ले गए सही है, वो कैसे पता करेंगे? आपने एक तो लिखा ही नहीं वहां, तो दूसरा चार उतारा, हाँ अभी गलत है, अभी गलत है। 26 अगस्त 2022 को डॉक्टर गिरीश मिश्रा कलेक्टर बालाघाट द्वारा प्राथमिक शाला मोहगांव एवं सीएम राय स्कूल मलाजखंड के औचक निरीक्षण में जातिगत एवं भेदभावपूर्ण अनुशासनात्मक कार्यवाही करने तथा गोंड आदिवासी महिला शिक्षिका को जानबूझकर घोर अपमानित करने का मामला अब आदिवासियों के आक्रोश के रूप में बदलता जा रहा है। कलेक्टर इस मामले को लेकर पूरे बालाघाट जिले के आदिवासी समुदाय अब लामबंद हो चुके हैं और आने वाले समय में कलेक्टर बालाघाट के द्वारा किए गए आदिवासी शिक्षिका के अपमान को लेकर बालाघाट में आदिवासी समुदाय के द्वारा धरना प्रदर्शन सहित ज्ञापन सौंपे जाने की तैयारी की जा रही है, जिसके मद्देनजर आदिवासी समाज ने विशाल प्रदर्शन के साथ कलेक्टर मिश्रा को बालाघाट से हटाए जाने की मांग की है। बालाघाट शहर में आदिवासी समाज के नेताओं ने बताया कि आगामी समय में रणनीति के अनुसार आगे की कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा। अगर ज्ञापन में दिए गए अल्टीमेटम अनुसार निश्चित समय पर न्याय नहीं मिला तो उग्र आंदोलन की तैयारी की जाएगी। हम यही गुहार लगाते हैं कि आने वाले समय में कलेक्टर को जो यहाँ पे जो हमने ज्ञापन द्वारा अल्टीमेटम दिया है एक महीने के अंदर, इस कलेक्टर को यहाँ से हटाया जाए। इसके साथ साथ जो साइबर क्राइम का जो अपराध आता है उसके साथ साथ एट्रोसिटी एक्ट भी इसमें लागू होती है, तो ये सारी चीज़ें सरकार संवेदनशीलता के साथ में जांच करें और उनको पनिशमेंट करें, बस यही आदिवासी समाज चाहता है। क्योंकि आदिवासी समाज को जिस प्रकार से इन्होंने वायरल किया है, इसकी जो प्रतिक्रिया देश भर में आई है, तो पूरे देश के आदिवासी को आहत हुए हुए हैं, उनके मान सम्मान उनकी अस्मिता को बहुत बड़ी ठेस पहुँची है। इसके लिए आज हमारा जो आदिवासी समाज है वो लामबंद हुआ है और आगे चलकर उग्र आंदोलन की ओर हम लोग जरूर पहुंचेंगे अगर हमें न्याय नहीं मिला तो, क्योंकि इस आंदोलन को हम अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जोर शोर से हमारी तैयारी अब चालू हो जाएगी। कलेक्टर ने बाद में स्पष्टीकरण भी दिया है ऑफिशियल लेवल पे, इसको किस तौर पर देखते हैं? वो तो हमारे जो समाज का प्रेशर बना है, जो हमारी जो मीटिंग चालू हुई जो संज्ञान में समाज ने लिया, उसका प्रेशर का वो नतीजा है कि अपनी गलती को उन्होंने सुधारने की कोशिश की है, लेकिन उसकी गलती तो एक बार हो चुकी और पूरी गलतियां वायरल हुई है, सार्वजनिक हुई है, इसलिए हम उन्हें कभी माफ नहीं कर सकते। इसको हमारे अंतिम लक्ष्य तक पहुँचाने की हमारी पूरी पूरी न्याय के लिए हमारी। आदिवासी समाज की मांग है कि जिला कलेक्टर को हटाकर साइबर क्राइम अपराध श्रेणी एवं अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत कार्यवाही की जाए, ताकि आने वाले समय में आदिवासी समाज के किसी भी छोटे से बड़े कर्मचारी या समाज के किसी भी व्यक्ति पर भेदभावपूर्ण कार्यवाही करने से पहले 10 बार सोचे। बालाघाट से अंकित सरकार के साथ आकाश घरडे की रिपोर्ट। इस विषय पर आपकी क्या राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों को और भी विस्तार से देखने के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।